अब वो सारी बासी शुरू से लेके आज तक अब से पूरा नाम पहले समिया शफीक इधर नाम लिखे मैं समिया शफीक मैं मतलब कि फर्स्ट डे से ही मुझे हरासा करने की कोशिश कर रहा है इसने मुझे गंदे गंदे मैसेजेस भी किए सेक्सी वीडियोस भी सेंड किए मोहम्मद नदीम अहमद हरासा करने की भी कोशिश की है बहुत ज्यादा मतलब गंदे गंदे मैसेजेस करना मैं आपको प्यार करता हूँ आप मुझे अच्छी लगती है आई लव यू तो अल्लाह मुझे ये भी कहा कि आपका फिगर बहुत अच्छा है और मुझे अपनी वाइफ की पिक्चर्स भी सेंड की गुड मॉर्निंग के साथ जो है वो डेली मतलब के सेक्सी वीडियोस या ऐसी रोमांटिक वीडियोस सेंड करता रहा है। उसके बाद जब मैंने ये कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ सर कुछ शर्म करें तो मुझे आगे से कहता कि क्या मैं इंसान नहीं मेरे सीने में दिल नहीं है तो फिर मैंने जब इस चीज पे मना किया तो मैं डायरेक्टर के पास चली गई अपनी वालदा को लेकर मेरी वालदा मेरे साथ थी इनके सामने मैंने सारे प्रूफ डायरेक्टर को दिखाए लेकिन डायरेक्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया बस ये किया कि हमारे जो लेक्चर्स है ना वो तब्दील कर दिए। उसके बाद जो है फिर उसी दिन जो है ये आके क्लास में इसने मुझे गालियां दी धक्के दिए मेरा नाम स्ट्रक ऑफ कर दिया और मुझे कहा कि आइंदा के बाद जो है ना मेरी क्लास में ना नजर ना आना मैं तुम कौन होती हो बस ये कहा। फिर जब फोर्थ सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हुआ मतलब कि नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो उसमें फर्स्ट डे जो है मैं मजबूरी के तौर में लेक्चर नहीं ले सकी मेरा नाम स्टक ऑफ कर दिया और जब मैं नेक्स्ट डे गई तो मुझे कहती है आप मेरी क्लास नहीं ले सकती आप निकल जाए मेरी क्लास से ठीक है वो बात वहां पे होगी। अब फिर रिसेंटली जो है मुझे दूसरे डिपार्टमेंट के बॉयज से जो है ना वो बुला के मुझे कहते हैं मैं ऑफिस में आओ मैं ऑफिस नहीं गई पहले भी इसने ऐसी किया कि मुझे ऑफिस बुला के ये सारी बातें की और मुझे ये जबरदस्ती भी की कि आप मेरे साथ बाहर चलो मैं जो है ना गाड़ी मंगवाता हूँ हम बाहर चलते हैं। लेकिन तब जो मैंने सख्ती से कहा मैंने कहा सर कुछ शर्म करें मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। उसके बाद जो है ये ऐसा ऐसा हरासा करने की कोशिश कर दी इसके बावजूद ये एक पहले भी जो है ना सस्पेंड हो चुका है एक केस में सस्पेंड होने के दौरान जो है ये हमारे जो मीट्स और फाइनल थे उसमें जो है ये निगरान बन के हमारे साथ रहा मेरा गाउन चेक करता रहा उठा के कि आप गाउन अपनी तलाशी दो गाउन उठाओ मैं ये करता रहा मैं जबरदस्ती जो है वो बैठ के पेपर देती रही हूँ। उसके बाद जो है ना मतलब कि ऐसे ही हरासा करने लगे पेपर खींचने लग गया जबरदस्ती जो है ना पेपर खींचना मेरी बार बार जो है जगह इधर से उधर तब्दील करना मुझे स्कूल से पेपर नहीं देने दिए ठीक है मेरे जो मार्क्स है मुझे ये भी धमकी दी कि मैं जो है मैं मार्क्स कम कर दूंगा मैं फेल कर दूंगा अगर ऐसा ना किया तो। अब मैं जब डायरेक्टर के पास गई हूँ मतलब कि हर सेमेस्टर में जब उन्होंने कहा था कि लेक्चर जो है वो चेंज हो जाएंगे तो मैं जब चेंज करवाने के लिए जाती थी तो अब मैं रिसेंटली जब डायरेक्टर साहब के पास गई हूँ तो वो कहते कि मेरे पास बार बार ना आया करे मैं इसका कुछ नहीं कर सकता आप अपना डिपार्टमेंट क्यों नहीं चेंज कर लेती। और जब उसके सामने सारे प्रूफ्स उसके सामने बैठ के डायरेक्टर साहब को दिखाए थे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया लेकिन जब अब सारे प्रूफ्स गलत हो गए अब मुझे कहता मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं मेरे पे बहुत आल लगा रही है। मैंने मेन कैंपस भी एप्लीकेशन दी थी सिटीजन पोर्टल पे भी एप्लीकेशन दी थी लेकिन मुझे इसका कोई रिएक्शन नहीं मिला। लेकिन अब जब मरियम नवाज के जो है पोर्टल पे एप्लीकेशन दी है तो मुझे विदिन 30 मिनट्स में जो है इसका रिस्पॉन्स आया और इस टाइम जो है मैं सिटीजन भी थाने में बैठी हुई हूँ।